चलो स्टार्ट कर रहे हैं। नया टॉपिक है कंफर्मेशनल आइसमरिज्म। 11th क्लास के सिलेबस में है ये, एंट्रेंस में तो बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस के लिए। इसको मैं तुम्हें वैसे ही बेसिक्स इसके मैं ऑलरेडी तुम्हें दे चुका हूँ, अब वो रिपीट हो जाएंगे। कंफर्मेशनल आइसोमर्स और रोटेशनल आइसोमर्स, और इनके आइसोमर्स को कन्फर्मर्स भी कहते हैं और रोटेमर्स भी कहते हैं। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ना, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स 11th क्लास के सिलेबस में। इसको रोटेशनल आइसोमर्स भी कहते हैं, जो आइसोमर्स बनेंगे उनको कन्फर्मर्स कहेंगे या रोटेमर्स कहेंगे, रोटेमर्स। तो इसमें मैंने तुम्हें बताया था, मैंने जैसे एग्जांपल लिया इसके अंदर, इसके अंदर एग्जांपल लिया CH3CH3। इथेन से स्टार्ट करते हैं इसके अंदर, इथेन से कम इसमें होने के लिए ना एक सिंपल सी लाइन याद रखनी है, कम से कम 3 सिग्मा बॉन्ड कंटिन्यूस होने चाहिए। 3 सिग्मा बॉन्ड कंटिन्यूस होने चाहिए तो होगी है आइसोमर्स, नहीं तो नहीं होगी। 3 सिग्मा बॉन्ड अगर कंटिन्यूस है देन दिस आइसोमर्स विल टेक प्लेस। तो इसमें हम करते क्या थे, इसको तुम एज्यूम ऐसी करना कि तुमने ये एक बड़ा सा स्टिक ले ली, ये एक स्टिक ले ली और इसके इस स्टिक के कॉर्नर पे कार्बन यहाँ पे है, कार्बन यहाँ पे, और हाइड्रोजन 3 हर एक कार्बन के साथ होंगे क्योंकि एक तो वैलेंसी इसकी कार्बन के साथ फिक्स है। हाइड्रोजन 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 ये दिखा दिया, और दूसरे कार्बन पे हाइड्रोजन अगर एग्जैक्टली एट द बैक है, ध्यान रखना एंगल इसमें 100 डिग्री 28 मिनट का ही है, वो दिखाएंगे ऐसे कि लगेगा कि एंगल 120 का है, लेकिन वो समझने के लिए है सिर्फ ये, अदरवाइज एंगल 100 डिग्री 28 मिनट का है, फिक्स एंगल है इसके अंदर। और अब हम ये है एक्लिप्स फॉर्म, ये एक्लिप्स फॉर्म है, ये मैं बता रहा हूं तुम्हें 100 हर्ट्ज के अंदर, ये मैं पहले करवा चुका तुम्हें 100 हर्ट्ज फॉर्मूले के थ्रू। ये मैंने दिखा दिया, इसको मैं जल्दी से शो करना है तो मैं इसको ऐसे शो करूंगा, फ्रंट कार्बन ये रहा, बैक कार्बन ये रहा, फ्रंट कार्बन ये बैक कार्बन, फ्रंट कार्बन बैक कार्बन, ये दिखा दिया। अब इस कार्बन को फिक्स करके, इस वाले कार्बन को फिक्स करके पीछे वाले को मैं रोटेट कर दूंगा, पीछे वाले को मैं रोटेट कर रहा हूं 180 से, तो ये आ जाएगा, ये लाइन जो है पीछे आ जाएगी, ये लाइन जो है इसके 180 पे आ जाएगी, और ऐसी ऊपर वाली लाइन नीचे आ जाएगी। तो अब इस केस में रिपल्शंस कम होंगी, अब ये स्टैगर्ड फॉर्म है, ये एक्लिप्स फॉर्म थी ना, 100 हर्ट्ज के थ्रू स्टडी कर रहे हैं, ये एक्लिप्स फॉर्म है, तो ये स्टैगर्ड फॉर्म, ये स्टैगर्ड फॉर्म है, इसमें रिपल्शंस कम होगी तुम्हें खुद लग रहा होगा, क्योंकि ये वाला CH बॉन्ड इसके पीछे एग्जैक्टली ये CH बॉन्ड है, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन, क्योंकि CH बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, H के पास अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, रिपल्शंस ज्यादा होंगी तो स्टेबिलिटी कम, H अगर मैं M ही रख दूं तो और स्टेबल और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि अब CH3 की H के साथ रिपल्शन और ज्यादा हो जाएंगी, तो स्टेबिलिटी और क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो 100 हर्ट्ज के थ्रू मैंने दिखा दिया तुम्हें एक्लिप्स और स्टैगर्ड कंफर्मेशन, जो मैं पहले भी बता चुका हूं। CH3 रखा है मैंने, अभी मैंने रखा है CH3, मेरा ये CH3 रखते ही क्या बन जाएगा, CH3 रखते ही प्रोपेन बन जाएगा, सही ना, CH3 रखते ही क्या बन जाएगा, प्रोपेन। मान लो मैंने इधर भी CH3 रख दिया तो ये क्या बन गया, ब्यूटेन। इस कार्बन पे रखूं या इस कार्बन पे या इस कार्बन पे, एक ही बात, तो ये बन गया ब्यूटेन। ब्यूटेन की फुली एक्लिप्स कंफर्मेशन बन गई, फुली एक्लिप्स कंफर्मेशन। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, किसी को उसमें कोई डाउट तो नहीं है, तो स्टैगर्ड और एक्लिप्स मैंने बता दिया। मेरे को मान लो इससे पेंटेन बनाना है, पेंटेन बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इधर C2H5 कर दूं, क्या पता, बहुत सारे तरीके हैं, C2H5 CH2 CH2 CH3, क्या बन गया ये, पेंटेन। ये क्या बन गया, पेंटेन। हेक्सेन बनाना, हेप्टेन बनाना, सब बन जाएंगे इसी से ही सर, सब इसी से बन जाएंगे। हाँ बोलो सर। तो स्टैगर्ड फॉर्म जो है उसी के अंदर हम चेंज करते रहेंगे, ये एक्लिप्स फॉर्म है ना, किसी में भी चेंज कर लो, ये एक्लिप्स फॉर्म बन रही है उसी की, ब्यूटेन की, ये बन गई इसकी एंटी फॉर्म या स्टैगर्ड है ना, स्टैगर्ड वाली ज्यादा स्टेबल है। हाँ स्टेबल वो है, बनेगी तो दोनों ना, तो ये क्या, ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, ये एग्जैक्ट आइसोमर्स नहीं होते, टू आइसोमर्स नहीं है, ये चेंज कहीं भी कर सकते हैं। हाँ किसी एक इंस्टेंट पे स्टैगर्ड फॉर्म में मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, एक्लिप्स में कम होंगे, लेकिन फिर भी ये दूसरे में एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस ना ज्यादा से ज्यादा इनके अंदर, जैसे 12 से लेकर 20 25 तक होता है, और ये एनर्जी इतना किलो जूल पर मोल, और ये एनर्जी ना रूम टेम्परेचर पे आसानी से अवेलेबल होती है, तो ये दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। हाँ लेकिन फिर भी किसी इंस्टेंट पे अगर तुम मेजर करोगे तो स्टैगर्ड फॉर्म में मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, एक्लिप्स में कम। तो ये भी टॉटोमर्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम में नहीं करते, ये ट्रू आइसोमर्स है ही नहीं ना, क्या नाम है अर्णव, ये ट्रू आइसोमर्स थोड़ी है। ओके सर,
इसमें कोई ऐसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह मतलब ये लगा लो कि हाँ कह सकता है, निकाल सकते हैं केसी वगैरह निकल सकता है इसमें, केसी वगैरह निकल सकता है, निकल सकता है इसमें भी केसी, बस ये ट्रू आइसोमर्स नहीं है, इसलिए केसी वगैरह इनके लिए हाइपोथेटिकली डिफाइंड होते हैं, जैसे टॉटोमर्स में तो डिफाइंड है ना, इसमें हाइपोथेटिकली डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा, मैंने एक्लिप्स फॉर्म बता दिया, ये एक्लिप्स फॉर्म बता दिया मैंने यहाँ पे, स्टैगर्ड फॉर्म बता दिया विद द हेल्प ऑफ सोहर्स फॉर्मूला। अब नेक्स्ट इसी चीज को करेंगे न्यूमैन के, न्यूमैन में क्या होगा, न्यूमैन में क्या है, इस कार्बन को ध्यान रखेंगे, जैसे एच लगा हुआ था ना, मैं हटा रहा हूँ सारा यहाँ से, इसमें कुछ नहीं करना तुम्हें, बस तुम्हें मर्ज कर देना है दोनों कार्बन को। इस कार्बन को सामने से देखोगे, अगर इस कार्बन को सामने से देखोगे तो ये कार्बन तुम्हें दिखेगा, लेकिन ये नहीं दिखेगा एग्जैक्टली एट द बैक पर। तो इन दोनों को मर्ज करेंगे, अगर तुम देखोगे ना, फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन ये दिखाया मैंने, इस वाली चीज को मैंने दिखाया, ये एग्जैक्टली सेम ऐसे ही, एग्जैक्टली सेम ऐसे दिखा दिया। बैक वाला कार्बन जो है, बैक वाला कार्बन जो है, अब वो तुम्हें दिखेगा ऐसे सर्कल में, सर्कल की फॉर्म में, और ये इसके एच थे फ्रंट वाले कार्बन के, फ्रंट वाले कार्बन को मैं रेड से ही शो कर रहा हूँ, फ्रंट कार्बन को रेड से ही शो कर रहा हूँ, और बैक वाले कार्बन को ब्लैक से। इसके एच तुम्हें कैसे दिखेंगे, जस्ट इसके पीछे, जस्ट इसके पीछे, जस्ट इसके पीछे, समझ आया कि नहीं, ये एक्लिप्स फॉर्म समझ आ गया कि नहीं, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, 2D व्यू है ऊपर, 2D, 2D टाइप व्यू है ये न्यूमैन के थ्रू, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, न्यूमैन के थ्रू ऐसे शो करेंगे हम, और ये सोहर्स के थ्रू, ये सोहर्स के थ्रू, किसी को डाउट है तो दोबारा पूछ लो। अब स्टैगर को कैसे शो करेंगे न्यूमैन में, इसको मैं दिखा रहा हूं, ये फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन में रेड से शो कर रहा हूं, ये फ्रंट वाला कार्बन, इसको एज इट इज शो कर, ये एज इट इज दिखा दिया, एच एच एच, ब्लैक वाले को, बैक वाले को ब्लैक से। अब इसमें दिखाया मैंने जो इसके एच है, ये वाले कार्बन, इसको दिखाया सर्कल से, सर्कल से दिखा दिया। अब इसके एच, इसके एच तुम्हें जो इस एच सी एच बॉन्ड के पीछे कोई भी दिखेगा नहीं, वो नीचे वाला आ गया, तो ये एच यहाँ पे, एच यहाँ पे, एच यहाँ पे, कोई डाउट अभी, कोई डाउट इसमें किसी को, अर्णव समझ आ गया ना। अब एक, अब अगली लाइन जो बताऊंगा ना उसको और ध्यान सुनना, उसको और ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट। उसमें क्या है, एक टर्म होती है डाईहेड्रल एंगल, डाईहेड्रल एंगल, और एक होता है टॉर्सनल एंगल, एक डाईहेड्रल एंगल और एक टॉर्सनल एंगल, दोनों का समझ आ गया ना, मैं आगे भी मॉलिक्यूल में पूछता रहूंगा। डाईहेड्रल एंगल है एंगल बिटवीन टू सेम ग्रुप्स, एंगल बिटवीन टू सेम ग्रुप्स और एटम्स प्रेजेंट इन टू डिफरेंट प्लेन्स, प्रेजेंट इन टू डिफरेंट प्लेन्स। जैसे अगर मैं इधर की बात करूं, पहले केस की बात करूं अगर मैं, तो ये वाला सी एच एग्जैक्टली सी एच के पीछे है, तो इसमें डाईहेड्रल एंगल होगा 0 डिग्री का, तुम्हें दिख भी रहा होगा इसके थ्रू, 0 डिग्री है कि नहीं, डाईहेड्रल एंगल, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स कह लो, एग्जैक्ट डेफिनेशन होगी एंगल बिटवीन टू सेम ग्रुप्स और एटम्स प्रेजेंट इन टू डिफरेंट प्लेन्स, समझिए कि नहीं, डाईहेड्रल एंगल इस केस में 0 डिग्री का है, कोई डाउट, अर्णव नहीं समझ आया, अर्णव नहीं है, अर्णव तेरी वॉइस नहीं आ रही क्लियर, चलो नेक्स्ट स्टेप है, हाँ तो अब दूसरा, अब मैं जैसे ये पीछे वाला दिखा रहा हूँ तुम्हें, ये वाली चीज दिखाई ना मैंने, अब इसमें बताओगे तुम डाईहेड्रल एंगल इसमें कितना आएगा, अब इसमें कितना आ जाएगा डाईहेड्रल एंगल, अब ये 60 डिग्री का आ रहा है डाईहेड्रल एंगल कि नहीं, ये सी एच बॉन्ड है और ये सी एच बॉन्ड, कितने पे है, 60 पे है ना, ये किधर से भी मेजर कर लो, यहां से भी 60 पे ही होंगे, 60 पे है डाइहेड्रल एंगल, इसमें 60 पे है डाइहेड्रल एंगल, क्लियर हुआ कि नहीं, और डाइहेड्रल एंगल को अगर मैं अल्फा से डिनोट करता हूं तो इसकी वैल्यू 0 से लेकर 360 तक हो जाए, डाइहेड्रल एंगल की वैल्यू 0 से 360 हो सकती, और एक होता है ये डाइहेड्रल एंगल है डी एच ए, डी एच ए, दूसरा होता है टॉर्सनल एंगल जिससे टॉर्सनल स्ट्रेन आता है, इसको थीटा से नोट करते हैं, इसकी वैल्यू 0 से 60 तक होती है, इसकी वैल्यू 0 से 60 तक होती है, देखो तुम्हें पढ़ा देंगे, लेकिन ये डाइहेड्रल एंगल और
टॉर्शन एंगल है, इसमें दिक्कत करेंगे, इसको इतना डिटेल में नहीं लेंगे, और उसके क्वेश्चन आए हुए हैं आईआईटी के अंदर भी, नीट में भी, 0 से 60 तक इसकी वैल्यू होती है इसकी टॉर्शनल एंगल की। अब इसमें टॉर्शनल एंगल जो होता है ना, ध्यान सुनना, ये होता है एंगल बिटवीन प्रोजेक्टेड बॉन्ड्स, एंगल बिटवीन प्रोजेक्टेड बॉन्ड्स इन टू प्लेन्स। तो प्रोजेक्टेड बॉन्ड्स तो तुम अगर इसको भी चेक कर लो, कोई भी चेक कर लो, मान लो ये चेक कर रहा हूं, तो ये तो हमेशा कितना रहेगा इस केस में, हमेशा चाहे तुम यहाँ पे सीएससी लगा दो, यहाँ भी सीएससी लगा दो, एंगल ये 60 ही रहेगा ना, ये तो हमेशा प्रोजेक्टेड बॉन्ड्स, एंगल बिटवीन प्रोजेक्टेड बॉन्ड्स, ये जो है टॉर्सनल एंगल है, ये क्या है टॉर्सनल एंगल, ये तो 60 ही रहेगा। इस केस में तुम कोई भी यहाँ सीएससी लगा दिया, यहाँ ऐसे लगा दिया, बॉन्ड्स के बीच में एंगल है, बॉन्ड्स बॉन्ड्स के बीच जो इलेक्ट्रॉन्स है उनमें एंगल, तो ये तो हमेशा 0 रहेगा चाहे कोई भी ग्रुप लगे हो, इसलिए इसकी वैल्यू 0 से 60 के बीच में रहेगी, 0 से 60 के बीच में वैल्यू रहेगी इसकी टॉर्सनल एंगल की। ये समझ आ गई बात की नहीं? एंगल बिटवीन प्रोजेक्टेड बॉन्ड्स, जो बॉन्ड्स हैं वो या तो 60 पे रहेंगे या फिर कितने पे रहेंगे, 0 पे रहेंगे। तो यही आंसर आएगा इसका, 0 या 60 वाला। जैसे बोलते हैं कन्फर्मेशन में क्या चेंज करेगा, ध्यान सुनना, कन्फर्मेशन में क्या चीज कॉन्स्टेंट है, जैसे ये बोला कन्फर्मेशन में क्या चीज कॉन्स्टेंट है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ कॉन्स्टेंट है, बॉन्ड एंगल कॉन्स्टेंट है, बॉन्ड एनर्जी कॉन्स्टेंट है, या डाईहेड्रल एंगल कॉन्स्टेंट है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्या चीज कॉन्स्टेंट रहेगी, बोलो क्या चीज कॉन्स्टेंट रहेगी, कन्फर्मेशन में क्या चीज कॉन्स्टेंट रहेगी, अर्नब बोल आंसर इसका, फिर ए एंड डी, देखो इसके अंदर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी तीनों कॉन्स्टेंट रहेंगे। बॉन्ड एंगल 180 डिग्री 28 मिनट का ही है, डीएचए चेंज कर रहा है सिर्फ, डीएचए, हाँ ए बी और सी ये कॉन्स्टेंट रहेंगे, डीएचए ओनली डीएचए विल चेंज, दैट इज डाईहेड्रल एंगल, ओनली दिस विल चेंज, रेस्ट विल रिमेन द सेम। समझ गए कि नहीं है? तो ये चीज रखनी है इसके अंदर। अब मैंने तुम्हें न्यूमैन के थ्रू बता दिया, न्यूमैन के थ्रू बता दिया और सॉहर्स के थ्रू बता दिया कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम कन्फर्मर्स को, कन्फर्मर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे न्यूमैन के थ्रू और इसके थ्रू। अब मैं इसका एक एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहा हूँ, एक एनर्जी लेवल डायग्राम, मान लो ये एक मॉलिक्यूल था, ध्यान देंगे मॉलिक्यूल था ये, इसका फ्रंट वाला कार्बन ये रहा, एच 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 एच, ये एच एच, इसको 60 डिग्री से रोटेशन दी मैंने, 60 डिग्री से रोटेशन दी, तो H H H H H ये H ये आ जाएगा। फिर 60 डिग्री से रोटेशन दी, पहले ये एक्लिप्स था, अब ये बन गया स्टैगर्ड, फिर 60 डिग्री से रोटेशन दी, H H H H H H ये आ जाएगा एक्लिप्स, तो फिर 60 डिग्री से दूंगा, फिर स्टैगर्ड बन जाएगा। इसी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एनर्जी लेवल डायग्राम के, इसी को मैं फिर बन गया आप एक्लिप्स, समझे कि नहीं? 0 पे था तो एक्लिप्स, 60 पे आए स्टैगर्ड, फिर 60 से मैंने कर दिया एन 120 पे आ गए तो फिर एक्लिप्स, फिर 60 पे आए स्टैगर्ड, एक्लिप्स स्टैगर्ड, समझ गया कि नहीं है? और ये जो डिफरेंस है ना, ये 12.44, बहुत कम डिफरेंस होता है इसमें, बहुत कम, 12.44 किलो जूल पर मोल, ये डिफरेंस है सिर्फ। ये समझ आ गया कि नहीं? 12.55 होता है, इसके आसपास में ही 12.55 किलो जूल पर मोल के आसपास का डिफरेंस, एंड दिस एनर्जी डिफरेंस इज वेरी लेस एंड इज अवेलेबल बाय द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स एट रूम टेम्परेचर ओनली, सो स्टैगर्ड कीप्स ऑन कन्वर्टिंग इनटू एक्लिप्स एंड एक्लिप्स इनटू स्टैगर्ड एट रूम टेम्परेचर ओनली, बट एट एनी इंस्टेंट वी हैव मोर कन्फर्मेशन इन स्टैगर्ड फॉर्म एज कम्पेयर टू इन एक्लिप्स फॉर्म, because staggered is more stable as compared to eclipse,
बस ये तुम्हें ध्यान रखना है इसके अंदर। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? किलो कैलोरी में 3 किलो कैलोरी तक का डिफरेंस है, 3 किलो कैलोरी तक। समझ आ गई बात कि नहीं है? समझ आ गया कि नहीं है अर्नाब? यस सर, हो गया। हाँ, तो ये ध्यान रखना, ये बहुत सिंपल सा डायग्राम मैंने बताया तुम्हें, ये तुम्हें आना चाहिए कि क्या चेंज कर रहा हूं मैं और पोटेंशियल एनर्जी के रिस्पेक्ट में क्या कैसे कर्व बनेगा। अच्छा, अब मैं मान लो अगर मैंने लगा दिया इधर मिथाइल, मैंने लगा दिया इधर मिथाइल, सही ना, मिथाइल लगा दिया, या इधर मिथाइल लगा, कहीं पे भी तुम मिथाइल लगा दो, और मैंने बोला ये प्रोपेन है ना, अब मैंने बोला कि अगर मिथाइल हाइड्रोजन इंट्रैक्शन होती है, मिथाइल की हाइड्रोजन के साथ इंट्रैक्शन होती है, देन इट कॉस्ट से 10 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी, और अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन की इंट्रैक्शन होती है, देन इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ एनर्जी बाय से 5 किलो जूल पर मोल, 5 किलो जूल ऑफ एनर्जी पर मोल। तो तुम बताओगे डिफरेंस ऑफ एनर्जी कितना होगा स्टैगर्ड में और एक्लिप्स में इन केस ऑफ प्रोपेन, कितना डिफरेंस आएगा दोनों के अंदर, एनर्जी डिफरेंस कितना आएगा बताओ, एनर्जी डिफरेंस कितना आएगा? हाँ, बोलना किसी को आंसर, कितना डिफरेंस आएगा दोनों में, स्टैगर्ड में और एक्लिप्स में, एक्लिप्स की एनर्जी कितने अमाउंट से ज्यादा होगी 10 किलो जूल पर मोल का। चलो और कोई बच्चा, तुम देखो सिंपल देखो, यहाँ पे नित्या का आंसर 20, नित्या ने आंसर दिया 20। देखो इधर, इसमें एक्लिप्स में और स्टैगर्ड में, एक्लिप्स में मुकुल का भी 20 बिल्कुल सही है, 20 आंसर आएगा। देखो एक्लिप्स के अंदर ही तो इंट्रैक्शन हो रही है, यहाँ पे मिथाइल हाइड्रोजन की इंट्रैक्शन हो रही है, यहाँ पे मिथाइल हाइड्रोजन की इंट्रैक्शन हो रही है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की यहाँ पे हो रही है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की यहाँ पे हो रही है, इसमें तो कोई इंट्रैक्शन है ही नहीं, इसमें तो 60 डिग्री पे है ना, तो कोई इंट्रैक्शन नहीं है, तो इसलिए इसके अंदर इंट्रैक्शन हुई मिथाइल हाइड्रोजन की एक, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की दो इंट्रैक्शन हुई, इस वजह से 10 किलो जूल एनर्जी यहाँ बढ़ जाएगी, 5 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, यानी टोटल 20 किलो जूल पर मोल बढ़ जाएगी, 20 किलो जूल पर मोल एनर्जी बढ़ जाएगी, क्लियर, 20 किलो जूल पर मोल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये आंसर आ गया, इसके एनर्जी अगर x है तो इसकी एनर्जी x प्लस 20 होगी, यानी 20 किलो जूल पर मोल का डिफरेंस आ जाएगा। अर्थ समझ आ गया कि नहीं? यस सर। तो ये ध्यान रखना इस चीज का, सही ना, इस तरह से क्वेश्चन करना है। चलो अब नेक्स्ट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन, मैंने ये तुम्हें बता दिया, मैं बस तुम दो बातें मेरी ध्यान रखना, वॉट इज टॉर्सनल एंगल, ये डीएचए क्या होता है, टॉर्सनल एंगल क्या होता है, और एक टॉर्सनल स्ट्रेन भी कर लो, टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है, ये तीन चीजें जरूर आनी चाहिए। डायहेड्रल एंगल क्या है, एंगल बिटवीन टू सेम ग्रुप्स प्रेजेंट इन टू डिफरेंट प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू सेम ग्रुप्स और एटम्स प्रेजेंट इन टू डिफरेंट प्लेन्स, दिस इज कॉल्ड एज डाईहेड्रल एंगल, ये डाईहेड्रल एंगल, ये क्या है, डाईहेड्रल एंगल। कोई डाउट तो नहीं किसी को? सर डाईहेड्रल एंगल 360 कैसे हो सकता है? ये क्या नाम है विधि, देखो इसके अंदर ना एच अगर ऐसे ऐसे है, अभी तुम खुद कहोगे, अभी रुक जाओ, तुम खुद कहोगे एक बार जी, हाँ तुम ये सोच रहे हो सही कि 0 डिग्री तो होगा सिर्फ, ये फिर तो ऐसे 240 भी नहीं आएगा कभी, 180 से ऊपर नहीं जाएगा ना फिर तो, सही ना विधि? yes. हाँ, तो ये जब घूम रहे हैं ना एक ही डायरेक्शन में, एक ही मॉलिक्यूल में, तो हम बोल सकते हैं उसको, मैं भी एग्जांपल दूंगा तुम्हें तब क्लियर हो जाएगा। सर डायरेक्शन वाइज, हाँ डायरेक्शन वाइज, हाँ ओके सर आगे सही है। हाँ, तो ये डीएचए मैंने तुम्हें बता दिया क्या, एंगल बिटवीन टू सेम ग्रुप्स प्रेजेंट इन टू डिफरेंट प्लेन्स, टॉर्सनल एंगल क्या था, एंगल बिटवीन, ध्यान सुनना, एंगल बिटवीन प्रोजेक्टेड बॉन्ड्स और
कार्बोनेट, तो ये जीरो से 60 तक ही जाएगा। जीरो थीटा जो होता है जीरो से बड़ा होगा 60 से कम होगा, लास्ट लेस देन इक्वल टू, समझे कि नहीं। ये टॉर्सनल एंगल, और टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होगा, फोर्स। अब ये एंगल था तो फोर्स ऑफ रिपल्शन बोल देना, फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फ्रंट एंड बैक कार्बन एटम, बिटवीन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फ्रंट एंड बैक कार्बन एटम, वो क्या होगा, टॉर्सनल स्ट्रेन। कोई डाउट एक बार चेक करो, कोई डाउट है तो पूछ लो। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, चलो नोट करेंगे। अब चेक करेंगे, देखो अब मैं ले रहा हूं कंफर्मेशन ब्यूटेन, ब्यूटेन ले रहा हूं, बहुत ढंग से बड़े से पेज पे बनाना है, ये आना चाहिए तुम्हें, इंपॉर्टेंट है, सही ना। तो इसमें लिया कंफर्मेशन ऑफ ब्यूटेन, एक्लिप्स से स्टार्ट करेंगे, फुल एक्लिप्स से। ये फ्रंट कार्बन जिसको मैं फिक्स रखूंगा, ये फ्रंट कार्बन जिसको मैं फिक्स रखूंगा, एम ई एच एच, बैक कार्बन जिसको मैं चलो ब्लैक से शो कर देता हूँ, तो ये एम ई के पीछे एम ई, एच के पीछे एच, एच के पीछे एच, दिस इज फुली एक्लिप्स कन्फर्मेशन, फुली एक्लिप्स कन्फर्मेशन। अब मैं इसमें तुम्हें से डायरेक्ट पूछूं, वॉट इज अ डाईहेड्रल एंगल, वॉट इज अ डाईहेड्रल एंगल, तो तुम बोलोगे क्या एम ई और एम ई के बीच में एंगल जीरो डिग्री का, एच और एच के बीच में जीरो, एच और एच में भी एंगल बिटवीन टू सेम ग्रुप्स प्रेजेंट इन टू डिफरेंट प्लेस, तो डाईहेड्रल एंगल इज जीरो, टॉर्सनल एंगल इज जीरो, अल्फा डीएचए भी डीएचए लिख दो बेशक, वैसे डीएचए को अल्फा से डिनोट करते हैं और टॉर्सनल एंगल को थीटा से, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब मैंने इसको 60 डिग्री की रोटेशन दे दी, 60 डिग्री की रोटेशन दे दी, तो 60 डिग्री रोटेशन देते ही एक फिक्स है, ये पार्ट तो सब में फिक्स है, 60 से रोटेशन और दे रहा हूं, ये पार्ट सब में फिक्स है, एक को फिक्स करके दूसरे को रोटेट कर रहे हैं, 60 से रोटेशन देंगे, पहले मैं ये सब में बना देता हूं कि ये पार्ट सब में फिक्स है, ये पार्ट 60 की फिर रोटेशन दे दी, एम ई एच एच फिर 60 से रोटेशन दे दी, एम ई एच एच फिर 60 से, अब मैंने तुम्हें फिक्स वाला पार्ट दिया है, रोटेशन वाला पार्ट नहीं दिखाया, फिर 60 से रोटेशन दी तो सेम आ जाएगा। तो अब 60 से रोटेशन देंगे तो अब क्या बन जाएगा, अब मैं ब्लैक से शो करूंगा बैक वाले कार्बन, 60 से रोटेशन देंगे तो एम ई इधर आ जाएगा, एच इधर आ जाएगा, ये एच इधर आ जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, बना लोगे ना ये, फिर 60 से रोटेशन दे दी, फिर 60 से रोटेशन दी तो एम ई इधर, एच इधर आ जाएगा, एम ई इधर आ जाएगा और एच इधर रहेगा, और ये वाली जो कंफर्मेशन है इसे बोलते हैं गॉच कंफर्मेशन, गॉच, ये गॉच कंफर्मेशन है, ये तो हाईली अनस्टेबल है, फुली क्लिप्ड तो हाईली अनस्टेबल, रिपल्शन बहुत ज्यादा, गॉच थोड़ी सी स्टेबल हो गई क्योंकि एमई एमई थोड़े दूर दूर हो गए, एमई जो बल्कि ग्रुप्स है थोड़े से दूर हो गए, तो इसमें कितना आएगा अल्फा निकालो जल्दी से, और फिर इसमें यदि मैंने 60 की रोटेशन तो एच ऐसे आ गया, एमई ऐसे आ गया, हाईली स्टेबल क्योंकि एमई एमई सबसे दूर है, इसको एंटी और ट्रांस स्टैगर्ड तो कहते ही है, एंटी और ट्रांस भी कहते हैं, फिर 60 की रोटेशन दे दी तो एमई के साथ एच आ जाएगा, एच के साथ एमई आ जाएगा, तो ये एक्लिप्स कंफर्मेशन होती है, एच के साथ एच आ गया, जैसे ये थी ना, ये भी एक्लिप्स कंफर्मेशन, फुली एक्लिप्स्ड और एंटी या ट्रांस या स्टैगर्ड के बीच में जो भी कंफर्मेशन आती है ना उसको स्क्यू कंफर्मेशन कहते हैं, चाहे गॉच है वो चाहे एक्लिप्स है, उसको क्या बोलते हैं, स्क्यू कंफर्मेशन, स्क्यू और गॉच भी कह सकते हो, स्पेशली नाम इसको दिया है, अदरवाइज इसको भी गॉच कह सकते हो, फुली एक्लिप्स और एंटी के बीच में जो भी कंफर्मेशन आएगी उसको स्क्यू कह सकते हो। चलो अब नेक्स्ट 60 से रोटेशन देंगे तो ये फिर गॉच फॉर्म रिपीट होगी, अब गॉच फॉर्म, एक मिनट नहीं, गॉच फॉर्म कुछ गलत हुआ इसके अंदर, एक मिनट हमें इधर आना था, एक मिनट रुकेंगे, ये थोड़ा सा गलत बन गया, 60 से रोटेशन देंगे तो ये एम ई आ जाएगा इधर, यहाँ एच, यहाँ एच, अब फिर 60 से रोटेशन देंगे तो एम ई आ जाएगा इधर, यानी गॉच फॉर्म रिपीट हो जाएगी, और अब 60 से रोटेशन देंगे तो फिर हो जाएगा। अब तुम इन सब के अंदर ना, इन सब के अंदर तुम निकालो कि डीएचए क्या है और टॉर्सनल एंगल क्या है, तुम्हें अपने समझ आएगा, डीएचए क्या है और टॉर्सनल एंगल क्या है, कोई डाउट तो नहीं किसी को, इसमें क्या निकालना है तुम्हें,
गॉज को सिन क्लाइंट भी कहते हैं और एंटी को एंटी क्लाइंट भी कहते हैं. एंटी मतलब दोनों ग्रुप ऑपोजिट है, सिन मतलब दोनों सेम ग्रुप सेम साइड. तो तुम्हें इसके अंदर निकालना है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर. दूसरा तुम्हें निकालना है डीएचए क्या है हर एक के अंदर, और तीसरा तुम्हें निकालना है थीटा क्या है. थीटा यानी थीटा नहीं सॉरी टॉर्सनल एंगल. एक वर्ड में टॉर्सनल एंगल को हम थीटा से डिनोट करते हैं, डीएचए को अल्फा से डिनोट करते हैं. और स्टेबिलिटी ऑर्डर भी निकालना है, और स्टेबिलिटी ऑर्डर भी निकालना. निकालो जल्दी से.
हाँ कर लिया ये, देखो उधर ये चीज ढंग से देखना बिल्कुल। इसमें पहले केस मैंने तुम्हें बता दिया डाईहेड्रल एंगल ये है, दूसरे केस में डाईहेड्रल एंगल हो गया 60 का, देखना एंगल बिटवीन टू सेम ग्रुप्स प्रेजेंट इन टू डिफरेंट प्लेन, ये 60 का हो गया और ये अल्फा हो गया ना, और जो टॉर्सनल एंगल है वो भी 60 का है, एंगल बिटवीन प्रोजेक्टेड बॉन्ड्स इन टू डिफरेंट प्लेन्स, प्रोजेक्टेड बॉन्ड्स में चाहे ग्रुप कोई भी लगे हो, ग्रुप कोई भी लगे हो सिर्फ बॉन्ड्स के बीच में एंगल देखना है। नेक्स्ट केस में जो डाईहेड्रल एंगल है, डाईहेड्रल एंगल कितने का होगा ये बोलो, डाईहेड्रल एंगल कितने का होगा इसमें, 120 किसने बोला ये, समयंक 120, हाँ डाईहेड्रल एंगल होगा 120 का, ध्यान देंगे 120 का और साथ में जीरो का, साथ में जीरो का भी, मयंक समझ आया जीरो क्यों है, यस सर, ये वाले एच एच देखेंगे ना, ये वाले एच एच देखें तो जीरो, और ये एम ई और ये एम ई देखें तो 120, इसलिए जीरो 120 और जीरो दोनों होंगे, और जो टॉर्सनल एंगल है वो 0 डिग्री का ही होगा, उनमें सिर्फ बॉन्ड देखने हैं तुम्हें, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, वो 0 और 60 के बीच में ही होता है, समझ गए कि नहीं, ये समझ आ गई होती नहीं है। ऐसे ही नीचे वाले केस में देखो, जो डाईहेड्रल एंगल है वो 180 का है और टॉर्सनल एंगल भी 180, टॉर्सनल एंगल कितने का होगा 60 डिग्री का, ये ना ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, पास ये देखना तुम, टॉर्सनल एंगल 60 डिग्री का, तो डाईहेड्रल एंगल देखो, अब अभी एक चीज और बताऊंगा इसी के अंदर, अब इसमें डाईहेड्रल एंगल कितने का है 240 का, 240 का और जीरो का भी, ये वाले ग्रुप्स आ गए, सही ना, जीरो का भी आ गया, और टॉर्सनल एंगल 0 डिग्री का। लास्ट केस में इस वाले केस में डाईहेड्रल एंगल हो गया 300 का हो गया, और जो टॉर्सनल एंगल है वो कितने का हो जाएगा 60 डिग्री, समझ आया कि नहीं, ये समझ आ गया कि नहीं। अब जैसे सबसे ज्यादा शेवल कौन सा है इसमें, सबसे ज्यादा शेवल कौन सा है, जल्दी से देखेंगे, मेरे को एक इसका कर्व भी बनाना है, सबसे ज्यादा शेवल कौन सा है, सबसे ज्यादा शेवल इसके अंदर है हमारा एंटी फॉर्म, फुली क्लिप से स्टार्ट किया मैंने, फुली क्लिप से मैंने स्टार्ट किया है, तो हाँ फुली क्लिप से स्टार्ट किया, देखो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, ये मान लो रेफरेंस एनर्जी लेवल है, जीरो से स्टार्ट करेंगे, 20 पे खत्म 20 किलो जूल पर मोल पे खत्म, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, जल्दी से देखना डायग्राम इसका, और यहाँ पे डीएचए डाईहेड्रल एंगल, यहाँ से स्टार्ट किया 60 पे करते ही क्या आ जाएगा, गॉज फॉर्म, बिल्कुल नीचे नहीं आएगा, गलत बनाए बिल्कुल नीचे नहीं आएगा, यहाँ तक बस, ये फुली एक्लिप्स, तो ये गॉज फॉर्म, फिर उसके बाद एनर्जी एक्लिप्स में एनर्जी फिर बढ़ जाएगी 60 पे करते ही, पूरी नहीं बढ़ेगी, यहाँ एक्लिप्स, ये गॉज फॉर्म, ये एक्लिप्स फॉर्म, फिर 60 पे करते ही अब बिल्कुल नीचे हो जाएगा, ये एंटी ट्रांस या स्टैगर्ड फॉर्म, उसके बाद 60 पे करते ही एक्लिप्स फॉर्म, ये इसके बराबर आ जाएगा, फिर 60 पे करते ही गॉज फॉर्म आ जाएगी, तो यहाँ तक आ जाएगा, तो ये चलेगा यहाँ पे हमारी एक्लिप्स फॉर्म है, यहाँ हमारी गॉज फॉर्म, 60 पे है 120 पे है डाईहेड्रल एंगल, 180 पे 240 पे और ये 300, उसके बाद सीधा ये वाला पॉइंट आगे और बनाते हैं, तो ये चीज आ जाएगी इसके अंदर, ये इसमें एनर्जी लेवल डायग्राम बनेगा इसका, ये क्या बनेगा इसका, एनर्जी लेवल डायग्राम, और अगर मैं कहूं तुमसे यहाँ पे इसके अंदर तुम्हें एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ट्रांस, मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी या ट्रांस कह लो, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉज, ये कितनी वैल्यू होगी इसकी, ये इसकी कितनी वैल्यू होगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉज, देखो एक्लिप्स फॉर्म बहुत कम, स्टेबिलिटी बहुत कम है इसकी, और फुल एक्लिप्स फॉर्म तो बिल्कुल जीरो के बराबर, फुल एक्लिप्स फॉर्म जीरो के बराबर, इसलिए इन दोनों की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू वन लेते हैं, ये याद रखना, इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू वन लेंगे एक्स एंटी प्लस एक्स गॉज की, कोई डाउट, एक्स एंटी प्लस एक्स गॉज की वैल्यू वन लेंगे, डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। उसके बाद अगर मेरे को निकालना है, इसके अंदर मेरे को अगर निकालना है म्यू ऑब्जर्व, नेट म्यू ऑब्जर्व कितना होगा इसका, नेट म्यू ऑब्जर्व कितना होगा, नेट म्यू ऑब्जर्व क्या आएगा,
एनटी की तो वैल्यू जीरो। देखो नेट म्यू ऑब्जर्व्ड, एक चीज और देखेंगे, नेट म्यू ऑब्जर्व्ड क्या होगा, ये होगा हमारा म्यू गॉच इंटू एक्स गॉच प्लस म्यू एनटी इंटू एक्स एनटी, यही होंगे दो, क्योंकि दो ही का मोल फ्रैक्शन जा रहा था किसका, गॉच का और एनटी का। अब म्यू एनटी तो हमेशा जीरो होगा, म्यू एनटी जीरो क्या है, ये डायरेक्शन नीचे तो ये भी ऊपर की तरफ, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, सारे कैंसिल हो जाएंगे इसमें, तो म्यू एनटी जीरो होता है, जनरली जीरो होता है, तो इसलिए म्यू ऑब्जर्व्ड जो है म्यू गॉच और एक्स गॉच के बराबर होता है, जनरली ऐसा होगा। एनटी वाले में डायवर्जेंस होती है, ऐसा नहीं कि हमेशा नहीं होगी, कई बार होती भी है ग्रुप में, मैं बताऊंगा कौन से ग्रुप है जिसमें होती है, तो उस केस में वो इसको भी काउंट करेंगे। ये बात समझ आ गई सारी की नहीं, ये इसको ढंग से पढ़ना, लेक्चर में मैंने दे रखा, मैंने थोड़ा जल्दी पढ़ाया, लेक्चर में दे रखा पूरा ये। अब एक चीज बताओ, ये वाला कम शेबल क्यों है, फर्स्ट फुली क्लिप्स कम शेबल क्यों है, इससे किस वजह से ये कम शेबल है, कौन से स्ट्रेन की वजह से कम शेबल है ये, ये मेनली किस स्ट्रेन की वजह से कम शेबल है, बोलो, वेंडर वॉल स्ट्रेन की वजह से, क्योंकि वेंडर वॉल स्ट्रेन की वजह से या स्टीरिक स्ट्रेन की वजह से, क्योंकि इसके ग्रुप पास पास है दोनों एमई एमई। दूसरा टॉर्सनल स्ट्रेन की वजह से, टॉर्सनल स्ट्रेन भी इसके अंदर ज्यादा है क्योंकि प्रोजेक्टेड बॉन्ड पास में है, इसमें प्रोजेक्टेड बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन दूर दूर हैं तो उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, एमई एमई ग्रुप भी दूर है थोड़े से तो स्टेबिलिटी इसलिए भी ज्यादा है, तो दोनों स्ट्रेन की वजह से कम स्टेबल है, दोनों स्ट्रेन की वजह से कम स्टेबल है। ऐसे तुम बताओ नेक्स्ट वाला केस फर्स्ट, जल्दी से बोल देंगे, फर्स्ट और थर्ड में थर्ड इज मोर स्टेबल किस ट्रेन की वजह से, थर्ड इज मोर स्टेबल किस ट्रेन की वजह से, क्योंकि इसमें वेंडरवॉल स्ट्रेन ज्यादा है, स्टीरिक स्ट्रेन ज्यादा, वेंडरवॉल से स्टीरिक स्ट्रेन एक ही बात है, वो जा रहा है, दोनों एमई पास है, इसमें ये एमई एमई थोड़े दूर हो गए हैं, टॉर्सनल एंगल दोनों में सेम है तो टॉर्सनल स्ट्रेन की वजह से नहीं बोलना, वो गलत हो जाएगा तुम्हारा आंसर, टॉर्सनल स्ट्रेन की वजह से मत बोलना, आंसर गलत हो जाएगा, टॉर्सनल स्ट्रेन दोनों में बराबर होगा, स्टीरिक स्ट्रेन पहले केस में ज्यादा है,